बिल्कुल सर। और हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। ये इन्होंने सवाल किया हुआ है, विजय प्रजापति जी ने, सुजलॉन का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। सुजलॉन बुरी तरीके से नीचे आ रहा है सर, 86 से जो टूटना शुरू हुआ, फिर एक बार जो है अब 60-62 के लेवल आ चुके हैं, 75 के आसपास से जो टूटा है उसके बाद से धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। रिकवरी के चांसेस हैं क्या सर इसमें? अभी क्या करना चाहिए सुजलॉन एनर्जी के ऊपर? जी बिल्कुल। देखिए, अब मुझे लगता है कम से कम इसको 2-4 दिन सेटल होने दीजिए। आज इसने कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा है, ये सप्ताह में आज सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इसको करीब आप 63 रुपए के ऊपर सेटल होने दीजिए पहले। देखिए, सबसे बड़ा सप्लाई जोन 66 रुपए है। आइडियली तो देखा जाए तो कंजर्वेटिव माहौल है थोड़ा सा। अभी अभी देखिए, मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि 25% के आसपास सप्लाई का लॉन्ग है। अभी करीब 12-13% का गैप है उनके पास बेचने के लिए। जी तो क्या होगा, इस बिकवाली में हो सकता है स्टॉक और गिर जाए। तो पहले 66 के ऊपर सेटल होने दीजिए। अगर 66 के ऊपर सेटल हो जाए तब आप खरीदिएगा। मानिएगा, इस स्थिति में मैं आपको टारगेट देता हूं, 95 रुपए का टारगेट आपको सुजलॉन में देखने को मिलेगा। लेकिन ये टाइम इसको 66 के ऊपर सेटल होने के बाद ही खरीदिएगा। उसके बाद आएगा, अगर 66 के ऊपर सेटल करेगा तो बड़ा वॉल्यूम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, खरीदारी देखने को मिलेगी। फिर सीधे आप कम से कम 2-6 महीने का समय दीजिएगा, 95 रुपए तक आपको मूव मिलेगा। 95 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा यहाँ पर आपको। लेकिन एक पावर कंपनी पे राय जानना चाहेंगे जिस पर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, वो है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के ऊपर जो है अब जो है फ्रॉड के जो एलिगेशन लगे हुए हैं, उसको देखते हुए अभी क्या करना चाहिए? जब ये अपर सर्किट लगाते हुए ऊपर जा रहा था, बहुत लोगों के सवाल थे कि क्या ये अगला सुजलॉन बन सकता है। चार्ट देख करके बहुत सारी टिप्पणियां पॉजिटिव आई यहाँ पर, लेकिन अभी पे अभी जो है क्या करना चाहिए? क्योंकि अब लगातार लोअर सर्किट रिलायंस पावर पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी लोअर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, अभी 2 दिन है, दूसरा दिन है लोअर सर्किट का। क्या ये लोअर सर्किट आगे और बढ़ते हुए दिखाई देंगे? जिनकी पोजिशन रिलायंस पावर में है उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल, अगर ये कहीं 40 रुपए के नीचे खिसक गया, उस केस में आपको फर्दर गिरावट करीब 35 रुपए तक इसके अंदर देखने को मिल सकती है। प्रिसाइसली 37 रुपए 40 पैसे तक इसको आप इसके अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगला मूव तभी आएगा जब या तो ये कहीं 35 से 37 के बीच में सेटल हो जाए, 1-2 दिन अच्छे से चले, इसके बाद ही इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। अदरवाइज मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी वीक है, हो सकता है कि बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर पॉसिबल है। बात तो सही कह रहे हैं सर।